शो क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक, एक लौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज में। बिहारी हो हाँ। होती है मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ा अनुभव रहता है क्योंकि देखिए बिहार क्या है बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है ना जी तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो कमाने का साधन क्या है रोजी रोटी का साधन क्या है खेती खेती तो ज़्यादातर गांव है ज़्यादातर मेरे जैसे किसान परिवार के बच्चे हैं जो बाद में पटना आ जाते हैं कोई बिजनेस करते हैं या फिर वो यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या फिर वो दिल्ली आ जाते हैं किसी रेडियो में काम करते हैं किसी टीवी में काम करते हैं या मेरे जैसे लोग कुछ फिल्मों में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग बेंगलोर कॉरपोरेट किसी ऑफिस में काम करते हैं दिल्ली के पुणे के लेकिन सबका ओरिजिन जो है खेत है सबका ओरिजिन खेत है तो हर व्यक्ति जो बिहार से आ रहा है हर बच्चा जो बिहार से आ रहा है उसके लिए सब कुछ नया है उसके लिए रणबीर भी नया है जिस तरह से उसने कपड़े पहने हैं वो भी नया है उसके लिए जैसे बाल किया है उसने सब कुछ नया है तो वो हर चीज़ को देख रहा है वो सीख रहा है समझ रहा है वो एडजस्ट करने में लगा हुआ है कि भाई मुझे इस तरह से बोलना है इस तरह से बात करनी है इस तरह से मुझे इस चीज़ों को समझना है और मेरे साथ वो अभी तक हो रहा है आ, मेरी एक थियोरी है हुँ. मैं मानता हूँ कि जो भी आपकी सबसे बड़ी पैशन होती है जो भी आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है वो आपकी लाइफ का या आपके नज़रिए का एक फिल्टर बन जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत क्रिकेट देखते हो ना आप लाइफ को क्रिकेट की तरह देखने लगते हो थोड़ा बहुत या अच्छा मैं बैटिंग कर रहा हूँ अभी हुँ। वो मेरा पार्टनर है मैं क्रिकेट जो बहुत ज्यादा देखता हूँ और फुटबॉल से बहुत ज्यादा देखता हूँ और इन दोनों की वजह से ना मैं मेरी खुद की लाइफ को एक स्पोर्ट की तरह देखता हूँ बहुत सारे अलग अलग स्टेट से मुझे टीम मिले पर बिहार के टीम में खासियत होती है लॉयल्टी ज्यादा होती है भाईचारा ज्यादा होता है क्यों होता है आपने सोचा इस बात क्योंकि छोटी जगह है वो एक छोटे गांव से हैं छोटे शहर से हैं वो ऐसे छोटे गांव, छोटे शहर जिनका एक आधुनिक समाज से कोई लेना देना नहीं है तो वहाँ पर अगर रणवीर मेरा दोस्त है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊँगा क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली से हैं तो उनके लिए कज़न ब्रदर जो है कज़न ब्रदर नहीं है उसके अपने भाई जैसे भाई है वो उनके बीच में पला बड़ा है तो चाचा चाची जो हैं वो चाचा चाची नहीं है या अंकल आंटी नहीं है वो उसके अपने पिताजी माता जी हैं hmm. आप समझ रहे हो तो जब आप समाज जब क्लोज्ड होता है ना तो उस तरह का माहौल में आप एक दूसरे पर डिपेंड करते हो तो इसीलिए वहाँ पर दोस्तियाँ इस तरह की होती हैं और वो जब रणबीर को दोस्त मानेंगे ना तो रणबीर के बारे में एक रत्ती भी बुरा नहीं सुनना चाहेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पे बिहार बिहार के लोग मैंने सुना है देखा है उनको कि अगर कोई रणबीर के बारे में कुछ बोले कर देखो भाई हम हमारा तो भाई हमारा अनुभव उनके साथ अलग है आपका अलग रहा हुआ होगा लेकिन हमारा अनुभव कुछ अलग है वो ज़रूर कह देगा अगर भले ही आपके साथ में वो झगड़ा ना करे वो अपनी बात रख देगा इसलिए कि वो वो उस तरह के माहौल से आ रहा है पर एक और खासियत है हाँ बहुत स्मार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा तो कैसे ये 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 कैसे हो रहा है क्योंकि सब ने अपना गाँव छोड़ा सबने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट्स हाँ कंफर्ट 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 जोन छोड़ दिया ना आपने hmm. अपने माता पिता का साया सा से दूर चले गए आपका जो सबसे कंफर्टेबल प्रोटेक्टेड जो जगह है उसको छोड़ दिया आपने नाउ यू आर विदाउट एनी काइंड ऑफ अ बैसाखी अब आप अकेले हो अब आपको अपनी जिंदगी ढूंढनी है तो वो अगर वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो दिक्कत है बहुत अगर वो समझदार नहीं बनेगा तो वो लुट जाएगा वो उसका वो बर्बाद हो जाएगा उसको खाली हाथ अपने गांव वापस जाना पड़ेगा और खाली हाथ बिहार का आदमी वापस नहीं जाना चाहता है वाह वाह कुछ बन के वापस आऊँ मैं बन के जाऊँगा वाह नहीं तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा ये मेरे साथ हो चुका है जब मेरा नेशनल ड्रामा में हुआ तो मुझे लगा कि मैं वट आई एम एम गोइंग टू डू मैं वापस कैसे जा सकता हूं मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को तो स, स, आ, अगर आप स्ट्रीट थि, स्मार्ट नहीं होंगे तो आप एक कदम नहीं चल पाओगे दुनिया खा जाएगी खा जाएगी आपको बिल्कुल खा जाएगी शुरू में तो खाने के लिए रहने छत के लिए इसके लिए स्ट्रीट स्मार्ट होते हो फिर जो जिस जगह पे काम कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करो ताकि आपको इज्जत मिले आपका नाम हो ताकि आपको कुर्सी मिले है कि नहीं तो वो शुरुआत कर रहा होता है जीरो से बड़े शहर में है ना ये आपके लिए अर्ली नाइन्टीज था यहाँ अर्ली नाइन्टीज नहीं उससे भी पहले था Late 80s एटीज हाँ मिड एटीज शर्म फील होती है आपसे बात करते हुए <laughs> 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 मैं अभी नौ सालों की घिसाई की वजह से रो रहा हूँ आपकी घिसाई मेरे जन्म से पहले चल रही जी सर, जी सर आपके 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 भी बात के बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने जन्म लिया होगा या लेने वाले होंगे लेकिन वो लंबी यात्रा है लेकिन भूख नहीं मरी है बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ के चला गया हूँ सब कुछ है लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें उनको जो संतुष्टि शायद पिछले जन्म का है उसको पूरा करना है वो भी जो है जब तक पूरा नहीं करूँगा तब तक अध्यात्म पूरी तरह से जा नहीं पाऊँगा तो वो वो भी भूख उस भूख को भी मिटाना है पूरे तरीके से वो भूख है कला की वो भूख है आ, मेरे अपने जुनून की वो ख़त्म ही होकर नहीं दे रहा है अब लोग कहते हैं कितना काम करोगे मैं उनको बोलता हूँ या पहले नहीं मिलता था तो बोलते थे कि क्यों नहीं काम करते हो और अब काम कर रहा हूँ तो कहते हो या कितना काम करो हो तो समाज जो है वो किसी भी परिस्थिति में आप रहेंगे वो वो संतुष्ट नहीं रहेगा hmm. लेकिन मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ <laughs> क्योंकि अभी अब अगर मिल रहा है मुझे जो इतने सालों में नहीं मिला काम अच्छे काम और जिसके लिए मैं घर पर बैठता था उसकी तलाश में उसके इंतज़ार में अगर मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं? भगवान मेरे अंदर में ऊर्जा दे रहा है और वो ऊर्जा दे रहा है ताकि मैं उस भूख को शांत करने की तरफ बढ़ूँ हाँ है ना वो वो भी आवश्यक है मेरे लिए दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ